चैनल फाइनली यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण समापन हुआ। समापन होने के बाद में आप सभी को मन में बहुत सारे डाउट होते होंगे कि जो एक नंबर दो नंबर या जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छूटे हुए हैं, जो सीट खाली है, क्या उस पर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, क्या कुछ हुआ भाषण के दौरान, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सब चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। आप लोग यह खबर सुनते होंगे कि जो भी रिक्त पद बच गई है वह जो नेक्स्ट बहाली में जोड़ी जाएगी, और वह बहाली भी जो है के पाठक सर को वहाँ पर चुनौती दी गई है। बोला गया है कि आपको 2 महीना के अंदर में उसको भी कंप्लीट कर लेनी है, उसको भी ज्वाइनिंग दे देनी है। तो इन सभी बातों पर अभी जो हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट आ सकती है कि नहीं, क्या जो खाली पद है वो नेक्स्ट बहाली में जुड़ी जाएगी, संपूर्ण जानकारी आपको यहां से मिलने वाली है। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैं एक बात बता दूँ कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और यह वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपका कमेंट जो भी आएगा मुझे सबसे पहले शो करेगा, हाइलाइटेड लिस्ट में रहेगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना देर के हुए बताते हैं इसके रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नियुक्ति पत्र के वितरण के बाद जो क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूँ कि नियुक्ति पत्र वितरण हुआ, उसके बाद में यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यहाँ पर ऐलान किया कि इतने अच्छे ढंग से एग्ज़ाम हुआ। आप देख सकते हो कि एग्ज़ाम वाकई में अच्छे से हुआ, ठीक है, बट यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छट गए, एक नंबर दो नंबर से छट गए, और साथ ही साथ जो 12,000 सीट खाली दिख रही है, अब जो ये 12,000 सीट जो खाली दिख रही है ये सिर्फ जो अब्सेंट हुए हैं वे हैं जो काउंसलिंग में पहुंच नहीं पाए हैं, ठीक है ना, या जिनको मन नहीं किया, जैसे कि नियोजित शिक्षक हो गए, कोई कोई नहीं गए होंगे, या एक बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा होगा जो एक से अधिक जगह जो है सिलेक्शन हो गया तो वे हायर क्लास में जाना पसंद किए हैं, तो इस कंडीशन में जो है टोटल 12,000 सीट बच गई है। लेकिन अभी धीरे धीरे करके सभी जिला जो है यहाँ पर जो फोल्डर जमा हुआ था, जो डीवी के लिए फोल्डर जमा हुआ था, उसको चेक किया जा रहा है, तो उसमें जो है मैंने वीडियो भी बनाया है उसके रिगार्डिंग, 1 to 5 में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो कि सीटें डिस्क्वालीफाइड है, बी ए और डी एल एड डिस्क्वालीफाइड है, तो उन लोगों को छाँटा जा रहा है, उन लोगों के नियुक्ति पद से रोका जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ये कंडीशन। तो मैं बता दूं कि जो यहाँ पर लगभग आपको 15,000 से ऊपर ही सीट खाली देखने को मिलेगी, तो इसके ऊपर जो है सेकंड मेरिट लिस्ट, और साथ ही साथ जो आप भाषण में सुने हैं, जैसा कि उन्होंने बोला है कि जो भी यहाँ पर सीट बच जाएगी, लगभग 40 से 50,000 की बात कर रहे थे, 70,000 तक बात कर रहे थे, ये सभी सीट जो है अगले बहाली में जोड़ दिया जाएगा, उसका बहाली की प्रक्रिया भी शुरू होगा और उसको भी 2 महीने के अंदर में कम्प्लीट कर लेनी है। तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, जो आपका 1,70,000 की बहाली आई थी, ठीक है ना, उसमें जो है 1,22,000 का ही रिजल्ट हुआ है, तो मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर टोटल जो 48,000 से 50,000 जो सीट खाली देखने को मिल रही है इसको अगले बहाली में जोड़ा जाएगा, ना कि जो रिजल्ट आया है उसमें से जो छटे हुए उसको जोड़ा जाएगा। मतलब जो है 1,22,000 जो 1,20,400 कुछ जो है था शायद सीट, तो इस पर जो रिजल्ट आई है 1,20,000 में से 1,10,000 का ही नियुक्ति पद मिला, तो यहाँ पर 10,000 और साथ ही साथ अभी जो छट रहे वो टोटल 12-15,000 जो ऐसे सीट बच जा रही है, इनके ऊपर सेकंड मेरिट लिस्ट आना फिक्स है। आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आइए, क्योंकि अतुल प्रसाद सर का कमेंट ट्वीट आया था कि उन्होंने बोला था कि मैं एक से अधिक रिजल्ट इसी माह में कुछ रिजल्ट देऊंगा और आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसी मंथ में जो है आप लोगों का कभी भी सेकंड मेरिट लिस्ट आ सकती है, इसके लिए आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको मैं पल पल की खबर देते रहूँगा इसके रिगार्डिंग खास करके, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि क्लियर हो चुका है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आनी है, इसी मंथ में आएगी, लेकिन कब आएगी ये कन्फर्म नहीं है। अभी सभी जिला से जितने भी डीवी में छट रहे हैं, जो फोल्डर देखा जा रहा है, उन जगहों से जो रिक्त पदों की संख्या निकल के सामने जाएगी एपीएससी के पास, उनके आयोग के पास, तो उन पर जो है सेकंड मेरिट लिस्ट, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ के कारण छूटे हुए हैं उनका तो श्योर है, रखिए कि उनका हो जाएगा। साथ ही साथ एक नंबर डाउन आएगा या दो नंबर डाउन है या तीन नंबर डाउन आएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि मैं कोई भी आंकड़ा इकट्ठा कर रहा हूँ, इकट्ठा करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास भी करता हूँ, और सुबह में एक दो वीडियो भी मैं डाला था जो कि आपको मैं दिखाया था कि मोतिहारी में, साथ ही साथ और औरंगाबाद में दिखाया था कि कितने बच्चे जो है अब्सेंट है और कितने बच्चे जो है फर्जीवाड़ा पकड़े जा रहे हैं, मतलब सीटें डिस्क्वालीफाइड वगैरह ये सब जो है पकड़े जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को बेफिक्र रहना है, थोड़ा देर है बट अंधेर नहीं है, थोड़ा समय लगेगा बट आप लोगों का जो भी एक नंबर या डेट ऑफ बर्थ कारण छूटे हुए उनको 100% आने की चांस है, आप उम्मीद लगाए रखिए और ये बात आप लिख लीजिएगा।
जरूर सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाली है। चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।